आज मैं ओला काम शुरू कर रहा हूँ जिसका मैं बहुत टाइम से प्लान बना रहा हूँ। एक सरप्राइज दे ले। पागल हो गए, इतना बड़ा रेंट कौन करवाता है? तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पर दिल्ली में। ओए लखनीत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। दीदी क्या कर रही है? फिलहाल देख रही हूँ यार, हम लोग के लिए खरीद नहीं रही, कुछ और है, आपको बाद में पता चलेगा। पागल, मैं खरीद रही हूँ। और सामने आप देख सकते हो हमारी नेता, इधर देख जल्दी, गुड मॉर्निंग कर दे यार, कर दे। तो आज हमारे थार की होने वाली है पहली सर्विस, चलो लेकर चलते हैं। और हम थार को लेकर आ गए हैं सर्विस के लिए, इसकी अभी चेकिंग होगी। ओहो, ये तो बताने ही भूल गया, नहीं तो मेरे लिए केक लेकर आई थी कल, पेस्ट्री है ये, कौन सी है, फ्रूट बोलते हैं ना इसको, क्या मिक्स फ्रूट, नहीं फ्रूट क्रीम कुछ ऐसा है। तो भाई लोग, आज हमारी थार गई है सर्विस पर, बिकॉज 1000 किलोमीटर चलने होते हैं और 1000 किलोमीटर दो दिन के अंदर चल गई थी, क्योंकि आपको पता है आते ही हम उसको अगले दो दिन में ले गए थे ट्रिप पर। सो फाइनली आज मैं ओला काम शुरू कर रहा हूँ जिसका मैं बहुत टाइम से प्लान बना रहा हूँ, अपना पहला टेक वीडियो। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए, मतलब दिल से कुछ चीज होती करने वाली है, उनमें से चीज है। कुछ चेंजेस कराए मैंने, ये टेबल बहुत ज्यादा छोटी हो रही थी, मतलब इस पे ना ऐसे ऐसे बैठ के आ रहा था मैं, तो मजा नहीं आ रहा था। मैंने क्या करा, ये वाली जो टेबल है इसको उठवा के अंदर रखवाऊंगा अभी, और यहाँ पे प्रोडक्ट रख के टेक रिव्यू करूँगा। तो देखते हैं, अगर यही काम में आ जाए तो नया इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ बिना बात का, यही आ सकता है काम में। तो ये हमारा रूम है, गेमिंग भी होगी इसमें, इसमें सारी लाइट्स वगैरह लगा दी हैं। यहाँ बैठ के मैं अपना टेक वीडियो बनाने वाला हूँ, और आप लोग जाके देख सकते हो रॉयट टेक चैनल पे, वहाँ वीडियो अब तक आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आ जाइए, जाएगी जाके और बहुत सारा प्यार देना। और दूसरी बात, जो भी लोग मेरी पहली वीडियो पे जाके सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए गिव अवे मेरे पास कुछ है, टेक रिलेटेड ही प्रोडक्ट है जो कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ। जो भी लोग ब्लॉग बनाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा वो। ओके गाइस, तो देखते रहना। ओ भाई, सेटअप लगा भी दिया, पुनः एक बार देखिए कैसा लग रहा है। ओके, तो ये है मेरा टेक सेटअप, इतने रखेंगे इसको बस, है ना, जीन्स ना है बस ऊपर, ठीक है। तो ये है हमारा आज का लंच, मटर मशरूम विद राइस विद मठा विद पापड़ विद सैलड। कैसे अच्छा लगता है एक चीज ऐसे बताना, मुझे फिर रियलाइज होता है कि मैं कितना कुछ खा रहा हूँ एक बार में। आज हमारी नितारा की तबीयत खराब है तो उसको भी लेके आता हूँ, खाना साथ में ही खाएंगे दोनों। नीतू, हाँ देखो टैडी इधर वेट कर रहा है ना, इधर टैडी इधर वेट कर रहा है, तो इसका मतलब नीतू बाथरूम में है, मतलब ये इतना चमचा है नीतू का, अब देखना। नीतू तू अंदर है, तेरा ये बच्चा बिल्कुल बाहर बैठ के वेट कर रहा है, तेरा पूंछ हिलाते हिलाते वेट कर रहा है, अब उधर ही बैठ गया देख, मतलब आप डिफरेंस देखना। हाँ ये तो यहीं बैठा हुआ है, गूची तो गूची आराम से सो रहा है इधर, है ना, लेकिन वो उसको नीतू ही चाहिए, वो उसके बिना नहीं रह पाता दो मिनट भी। इन प्यासों को आज जूस मिल गया। सो गाइस, पुनीत आज फाइनली टैटू करा रहा है जो इसकी एक हिडन गर्लफ्रेंड है उसके नाम का, और हम नीतू को सरप्राइज करने वाले अंदर जाके, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, प्रैंक है भाभी के ऊपर। अब प्रैंक होने वाला है नीतू के ऊपर, हम बताएंगे पुनीत ने टैटू करा लिया है। सो भाई मैंने अब चेंज कर लिया, बिकॉज आज शाम को हम जा रहे हैं अपनी मीटिंग करने के लिए, दिल्ली में मीटिंग है हमारी जो हमारी एजेंसी है उनके साथ, तो घर का काफ़ी काम निपटाया है। ये देखो आप, ये चेयर्स हमने और मंगवाई, गेमिंग रूम में रखी रहती हैं वैसे। इन चेयर में क्या है ना भाई, लगानी खुद पड़ती है, मतलब बनानी भी खुद पड़ती है, ये ऐसे ही भेज देते हैं। अच्छा, ये कॉर्सेयर की है और इसको पूरा, इसके नट बोल्ट जोड़ जोड़ के हमें ही बनानी है, दो हैं ये ऐसी बन जाएगी, ठीक है। जो आपने अंदर वहाँ रखी देखी गेमिंग रूम में, वो सेम इसी कंडीशन में आई थी, वो तो बनाई है, मैंने नहीं बनाई, इन लोगों ने बनाई, इनको आता है। सही सी एक्टिंग करी भाई, समझ, मतलब बोलना क्या मेरे को, ये बोल दो कि भाभी देखो टैटू करवाया मैंने, इसको मतलब छुपाना, थोड़ा सस्पेंस बनाना, थोड़ा सा मारेंगी। हाँ आ जा, जा जल्दी जल्दी। नीतू नीतू एक सरप्राइज दे ले, ये मैं सतरंगा इश। अरे सुन ले, एक सरप्राइज दे ले। क्या? गैस कर, पुनीत की तरफ से। अरे नहीं कुछ और है यार, क्यों तू क्या कर रही है, सोएगी फिर? मैं दिन में सोती हूँ। क्या कह रहा है पुनीत, ये मेरे को ले, उसको दे 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 दे। टैटू आशिक है, मैं तो क्या कहता था बेटा, आशिकी में नंबर वन सीडी चलेगा। अपन काम लिया है? हाँ। अभी घर पे किसी को पता नहीं है, फूफा जी इतना सोचेंगे। हाँ। अल्फा, 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 ये टैटू तो करा के आया हम, और ये कल परसों से उदास क्यों है? मां, मत जी।
उदास क्यों है ये? हाँ। अब तो हो गया, मम्मी करवा दी। पेन नहीं हुआ? हुआ जी का वीडियो कॉल करती। इसे कहीं का मत छोड़ियो। हाँ सही है सही। हाँ करने देना। क्या हो गया? दर्द हुआ? तेरे हुआ था? What? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बट मेरा तो नीला नीला है, इसका ब्लैक क्यों है? अरे अभी नया बना है ना। नहीं तो बुआ जी कॉल करना। लेकिन अरे मम्मी को मत बताओ। तूने इतना बड़ा क्यों नाम लिखवा लिया? भाई छोटा लिखवा दे। मैं आशिक है भाई, आशिक। तो बड़ा क्यों लिखवाया पागल? और शादी करेगा? शादी करेगा तभी लिखवाना, वरना इसका पता नहीं कुछ और कर देना। नहीं वो उसको दे, उसको दे, उसको दे। अभी मम्मा लेके जाएंगे, पहले बुआ जी को डांट तो सुनने दो। बुआ जी उठाओ फोन। बुआ जी के हम आंसर कर रहे हैं, बुआ जी नमस्ते। तबीयत ठीक है आपकी? सुनो आपको एक ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है जो शायद मैंने भी नहीं सोचा था। बुआ जी जरा देख लो इसको, क्या करा है इसने, आशिक ने। अब तू गया बेटा, लाइए जरा। टैटू बनवा के आया, टैटू। लड़की के नाम का बुआ जी, मेरे तो मारने का मन करा। मैंने कहा शादी करेगा तभी बनवाता। बुआ देख तो ना लड़की का ना, ये मैं कह रहा हूँ ना, आशिक में पड़ा हुआ है। ये पागल हो गए, इतना बड़ा टैटू कौन करवाता है? नाम क्या लिखा है? रिया। अरे बुआ, अरे बुआ मैं इसीलिए तो तुम्हें देखो। अरे यार बुआ आपको जोक लग रहा है, ये देखो। शाबाश बेटा, शर्म नहीं आ रही है? अब ये बताते शादी कब कर रहा है? ये तो मैं बता। बुआ जी इसकी शादी अब नेक्स्ट रोहित के बाद इसी की शादी का नंबर है, अब इसी की करवा रहे हैं हम। पक्का ना? बुआ जी तैयार है। अरे मम्मी अभी टाइम है, मैं बच्चा हूँ ना, कोई बच्चा ना है। वो भी कह रहा मारे से। भैया तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। तैयार नहीं है ना, तैयार तो रहने देते हैं। ये टैटू कैसे करवा लिया इसने, पागल हो गया है। ब्राउनी बुआ तू कह, तू जाने। टैटू का मतलब समझ जाओ। सुनो अब ना तो उसको कोई सरकारी जॉब मिल सकती, टैटू करा लिया में। और मुझसे नहीं पूछा था, मैं तुम्हें पहली बता रहा हूँ। अच्छा मुझसे नहीं पूछा था, मुझे आज पता चली। मैंने कहा रुक जा बुआ को दिखा। तो इसने बनवाया कब है? आज, आज गया है बनवाने भाई साहब हमारे, आज गए हैं। हाँ मम्मी बात कर। हाँ? क्यों बनवाया है? अरे मम्मी बनवा दिया तो बनवा लिया। तो पूछता तो सही, भैया तो बताता, ये तो, भाभी तो बताता था। तो इन्हें क्या बता के ये कि नई डिजाइन बता दे? वहाँ बता के मैं भी तुम्हारा रिकॉर्ड करती। एहे कितना बदतमीज है, नया डिजाइन इतना सिंपल बनवाया है, कुछ ऐसे से डिजाइन है। फोटो तो दिखा बुआ जी, बोले लड़की की फोटो तो दिखाए। तू देख ले, तू ही पूछ। लो मम्मी टैटू देख लो एक और बार। हां देख लिया मैंने तो, देख लिया जो भी कुछ है। तू भाभी दिखा, मुझे मत दिखा, तेरी भाभी देखेगी। इन्होंने देखने के बाद तुम्हारे पास वीडियो कॉल करी है, तो गलती करी है तो बजाया ना तेरे पे। नहीं तू बुआ जी को निराश मत कर, इसे पेल दे आज। बुआ जी हाथापाई नहीं करती, आपको तो पता है मैं लड़ाई भी नहीं करती, अपनी जबान भी नहीं चलाती किसी के सामने। संस्कार तो मार कैसे सकती हूँ। ठीक है बुआ जी, मैं जरा इसकी शिकायत कर दूँ थोड़ी सी। है ठीक है, अभी आपको करती हूँ फिर कॉल। हाँ चलो ठीक है, अब सो यहाँ को बेटा, आपको ठीक है, यहाँ को, यहाँ को, यहाँ को। ठीक है बेटा, ठीक है। जरा अबे स्केच पेन से है ये गधी, तूने मम्मी को रोटा। मैं तो तुझे प्रैंक करा, तूने सीधा वो पे वीडियो कॉल। अबे स्केच पेन है गधी, स्केच पेन है, स्केच पेन। अरे मिटे मत, मिटे मत, देख आ नहीं रही है, देख हल्का मिटे मत। नहीं अरे ये मैंने एक रील के लिए बनाया था भाई, मैंने एक रील देखा था, मैं आपको बताऊंगा इसका मैं क्या करने वाला। नहीं तू मत मिटा मत दियो यार, इतनी फनी रील है आपके बता के। टैटू नहीं है, ले बना कुछ, तेरी कसम नहीं है टैटू नहीं है यार। अरे आ जा अब वो बना के दिखा देगा सच्ची। और तूने तो बुआ को फोन कर दिया, इतने पिटवाएगी से? अरे तेरी कसम नहीं है भाई, तेरी कसम झूठी खाऊंगा क्या मैं, ये नाम क्यों लिखूंगा? अरे तो ये तो एक कंटेंट है मेरे पास, इंस्टा की रील बनानी थी उसके लिए लिखा मैंने। अब मुझे क्या पता था बेचारा शहीद हो जाएगा आज। अब तूने बुआ को बता दिया ना, अभी देखो इसने बुआ को बता दिया, शाम तक पुनीत की पूरी गली को पता लग जाएगा। हाँ। और शाम तक हो सकता है तो फूफा कॉल आ जाए, फूफा ही आ जाए यहाँ पे, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तू गया और लट लेके आया हाथ में, मम्मी को कोई बात बता दो, मम्मी से कह दो, मम्मी ये बात किसी को बतानी, मम्मी कहेंगे अच्छा अल्लाह चल तेरी अम्मा से बात। यार ये कुछ कह रहा है, हेलो ये कह रहा है, तुमने ठीक नहीं करा, चल रहा है।
पुनीत सबको उठा दे, जय चला जाए, वो गाड़ी लेकर आया ना जी सर्विस पे, चल लिया उसको, इसको मिटाइए मत, मुझे वो रील बनानी है, ठीक है पुनीत सबको उठा, सुधीर को बोला डुमी डुमी कि प्रैंक था। हां हां प्रैंक नहीं था, मतलब एक प्रैंक भी नहीं था, मैं तो एक रील के लिए बनाया था, सोचा नित्य से मजाक कर दूं, तूने तो बुआ को कॉल कर दिया डायरेक्ट। यार अब इसकी डांट ना पड़े, कोई बात नहीं। हां बेटू यार इसको घूमने जाना, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो मेरा न्यू हेयर कट कैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर, और ये आगे सच्चे बैंग्स बोलते हैं ना, अच्छे लग रहे हैं आगे से देखने में, तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ तेरी कसम, तुम्हें अच्छा लगता नहीं है ना। नहीं नहीं अच्छे लग रहे हैं, ये तेरे पे सूट कर रहा है। अच्छा सुंदर, तुम भी आगे कर लेना। अरे यार नहीं, तो मैं लड़की थोड़ी हूँ। गाइस पता है आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि हमारी मोस्टली सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। मैं डर गया क्योंकि मैं तो फूडी बहुत बड़ा हूँ भाई। पता है आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं जैसे आपने देखा होगा मेरे मम्मी पापा नहीं खाते हो चूरन जो खाते हैं पेट साफ करने वाला, भाई अपने लिए लेकर आऊँगा आज मैं खुद के लिए, और रात में ना खाऊंगा। मैंने सोचा महीने में एक बार तो एटलीस्ट खाया करूँगा ताकि अपना पेट वेट सब साफ हो जाए, करना पड़ेगा। बचपन में सोचते थे कि क्या करते हैं माँ बाप यार, धीरे धीरे हम भी वही बनते जा रहे हैं भाई, ठीक है एज इसी को बोलते हैं। तो मैं जा रही हूँ, मैंने अपनी बॉक्सिंग के 3 राउंड करे और 3ों में मैं जीत गई, मज़ा आ गया था बॉक्सिंग करने में ना, मुझे अलग ही लेवल का मज़ा आता है, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर होती है ना सारी निकल जाती है। बट मैं नीचे जा रही हूँ आपको एक चीज़ दिखाने, चलो आओ, ये ब्राउनी है, ये गुच्ची है, ये जा रहे हैं डुम्मी डुम्मी करने। आप जरा ध्यान से देखो मेरे पैरों की मेहंदी बिल्कुल भी नहीं हटी क्योंकि मैं अपने पैर अच्छे से धोती नहीं हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, लिफ्ट खोलते ही देखना कैसे भागेंगे, 1 2 3 भागो। So guys, मैं रेडी हो गया हूँ अपने मीटिंग में जाने के लिए, नीतू भी रेडी हो रही है। नीतू के 3 बार दीदी ने ड्रेस चेंज करा दी है भाई, दीदी इतनी कंट्रोलिंग है, तुम्हारी लाइफ क्यों कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ड्रेस पहनेगी वो तेरे हिसाब से, मैं क्या पहनूंगा वो तू डिसाइड करेगी। देख बाहर से ना एक कुत्ता डेली निकलता है और दोनों उस पर भौंकते हैं, डेली का इनका रूटीन है, और होता कुछ नहीं है ना, उसको कोई फर्क पड़ता तू देखता होगा, गजब बेइज्जती है। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं अपनी मीटिंग के लिए फाइनली, मैं और नीतू, पूनम दीदी ऑलरेडी दिल्ली में और हम लोग ही जाएंगे बस यहाँ से आज। भाई निकलते बढ़ते नीतू का ऑर्डर जरूर आया, उसमें गई वो, अच्छा नीतू इस लिफ्ट में, अबे यार ए ये कैसा है भाई लिफ्ट कैसी है ये, लेट्स गो नीतू, दूसरी उससे आ गई तू यार, हाँ मुझे वहीं छोड़ आई थी, मैं और पुनीत दूसरे लिफ्ट में आ गए, मुझे लगा तुम चल निकल गए। अच्छा जी, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर दिल्ली में जहां पर हमारी मीटिंग होने वाली है। पूनम दीदी वैसे दिल्ली से, उनको दिल्ली में आना लेकिन अभी तक नहीं पहुंची होंगी, मुझे पक्का भरोसा है उन पे, हमेशा लेट करती हूँ। क्यों नहीं तू, तेरे को क्या लगता पहुंच गई होंगी? नहीं पहुंची। नहीं ना, बहुत ही लेट लगती है भाई, इसको अवार्ड मिलने चाहिए यार, बैक टू बैक अवार्ड, फर्स्ट भी वो, सेकंड भी वो, थर्ड भी वो, अगर ऐसा कोई कॉम्पिटिशन हो तो। तो गाइस हमारी मीटिंग खत्म हो गई है, नीतू बेड बनवा रही है। नीतू यार क्या दिक्कत है तेरी यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, 10 बज गए। चलो बना दो, उठ जा नीतू, घर पहुंच गए। गाइस एक चीज और, वो जो प्रैंक था उसको मैं पूरा अभी तो क्या ही कर पाऊंगा, कल कर पाऊंगा, लेकिन आपके लिए इसी व्लॉग में उसकी फोटो डाल देता हूँ। जो पुनीत ने रिया लिखवाया था वो रिया नहीं है, वो कुछ और है, क्योंकि मुझे रील के लिए कॉन्टेंट बनाना था, तो वो क्या है वो आप इस फोटो में देखो, तो आप समझ गए होंगे कि किस लिए वो रिया लिखा था, काफ़ी फनी सी रील लगी थी इसलिए मैंने बनाया था। प्रैंक करने को इरादा नहीं था बट मोमेंट ही ऐसा बना कि प्रैंक भी हो गया। तो गाइस मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर, व्लॉग को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, बाय।